हेलो गाइस दिस इज़ योर यूट्यूब चैनल मार्केट मोबर और यहाँ पे मिलते हैं आपको क्वालिटी वाले स्टॉक्स की डिटेल और आईपीओ के रिगार्डिंग भी रिव्यू मिल जाती है तो सुबह को हमें इस पर्टिकुलर आईपीओ पे रिव्यू मांगा गया था हमने डेटा कलेक्ट कर लिया डेटा को दिखाऊंगा साथ ही सब्सक्रिप्शन डेटा दिखाऊँगा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वाला सारा चीज़ मैं इस वीडियो पर इंक्लूड करूँगा और लास्टली इसके बिजनेस मॉडल को आपके पास रखने की कोशिश करूंगा तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करता हूँ बिना लेट किए हुए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस पर्टिकुलर आई का सब्सक्राइब कैसे हुआ तो देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं वो जीरो पॉइंट फोर वन परसेंट आज इन्होंने माल खरीदा है मतलब सब्सक्राइब किया है एन ने जीरो पॉइंट वन का सब्सक्राइब किया है रिटेल इन्वेस्टर्स ने लगभग एक के आसपास में मतलब जितना इनके इनके अलॉटमेंट की ये दिया गया है अलॉटमेंट का जो बिड्स है कितना ही बिड्स इनको रिसीव होंगे तो यहाँ पे फो फोर्टी लाख एटी सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव शेयर्स है जिसमें से थर्टी सेवन लाख क्या हो गया सेवेंटी टू थाउजेंड वन ट्वेंटी फाइव शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस पर क्या किया है अप्लाई कर दिया मतलब इसमें सब्सक्रिप्शन आ चुका और टोटल सब्सक्रिप्शन अगर माना जाए तो लगभग फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका एट्टी वन लाख का सब्सक्रिप्शन डेटा एट्टी वन लाख सेवेंटी टू थाउजेंड का जिसमें फिफ्टी लाख थर्टी थाउजेंड सॉरी फोर्टी नाइन लाख थर्टी थाउजेंड का सब्सक्रिप्शन आ चुका था सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा बीट्स पड़ी है चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे क्या हो सकता है तो देखिए आईपीओ मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जा रहा है और प्रीमियम गेन मिल सकता है ऐसे बड़े बड़े जो रेटिंग एजेंसी हैं इनका मानना ये है तो यहाँ पे देखिए इनका जो आर ओ एंड डब्ल्यू रिटर्न ऑन नेटवर्थ थर्टी वन पॉइंट सेवन नाइन परसेंट की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है जो कि इनके नेटवर्थ में हर तीन साल में एवरी थ्री फर्स ईयर्स मतलब हर एक तीन साल का अगर देखा जाए तो ये 31 परसेंट के हिसाब से ग्रो कर रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है और ये आपको नीचे भी दिखेगा तो इस सेक्टर पे और भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसा कि आप जान रहे हैं बायोटेक है केमिकल सेक्टर की कंपनी है तो अभी नीचे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा आउट परफॉर्म सिंस पैंडमिक सिचुएशंस पे इस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा परफॉर्म हुआ तो ये भी आईपीओ परफॉर्म कर सकती है तो यहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग दी गई है इस पर्टिकुलर स्टॉक को आईपीओ गाइड जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यूट्रल रेटिंग है उसके बाद है वेंचुरा सिक्योरिटीज का सब्सक्राइब है आनंद राठी जी का सब्सक्राइब करने के लिए कहा गया है एंजिल ब्रोकिंग के तरफ से सब्सक्राइब करने के लिए चॉइस चॉइस इक्विटी ब्रोकरिंग प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म है मोतीलाल ओसवाल के तरफ से नन एक्सिस कैपिटल के, के, के तरफ से नन एच सिक्योरिटी के तरफ से नन मतलब बड़े बड़े जो नाम है उनके तरफ से नन किया गया कोटेक लिमिटेड सब्सक्राइब और यहाँ पे और एक सब्सक्रिप्शन के लिए बोला गया है तो एक तरीके से आप मान सकते हैं ओवरऑल रेटिंग है ओवरऑल रेटिंग है ओपन कब से होगा तेरह से पंद्रह को लास्ट डेट है अलॉटमेंट इक्कीस को आएगी तेईस को लिस्टिंग होगी फेस वैल्यू टू रुपीज़ की है इशू कितने का है फोर ट्वेंटी थ्री से फोर ट्वेंटी फाइव का अलॉटमेंट आ... कि बिड की, की साइज कितनी है थर्टी फाइव सेल्स की एन एस सी बी एस सी दोनों ही एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होगी तो ये था एक छोटा सा डिटेल्स लेकिन अभी सबसे पहले इनकम की बात की जाए 2017 में ये 14 करोड़ की प्रॉफिट कमाती थी करोड, करोड़ करोड़स में ये डेटा दिखाया गया एफ आई एटीन पर करोड़ की प्रॉफिट एफ आई नाइनटीन फोर्टी फाइव करोड़ का और एफ आई ट्वेंटी पे सिक्सटी फाइव करोड़ का तो ये जो ग्रोथ है एवरी थ्री इयर्स के हिसाब से थर्टी वन परसेंट का ये रिटर्न आपको दिख रहा और हर साल इनका प्रॉफिट बढ़ा है बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है इस चीज़ को आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग एक चीज़ है कि इनकी पी रेशियो जो है इस सेक्टर पे अगर दूसरे कंपनी से कंपेयर किया जाए तो इनका पी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको नज़र आ रहा होगा आरती इंडस्ट्री विनीता ऑर्गेनिक्स अतुल लिमिटेड ये तीन कंपनी है जिनका पी इससे बहुत कम है ठीक है आरती इंडस्ट्री तो मैंने आपको बहुत पहले से कवरेज करके रखा आपने देखा या नहीं देखा अब चलते हैं इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं कि कंपनी करती क्या है दो हज़ार नौ से यहाँ पे ये कंपनी कार्यरत है वन ऑफ़ द लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में और ये सॉल्यूशंस टू द स्पेसिफिक इंडस्ट्री एंड द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स प्राइमरली इन द एफ याद रखिएगा एफ को ए पी एल पोल्ट्री पोल्ट्री और एनिमल फीड्स इंडस्ट्री को ये आ, मतलब केमिकल सप्लाई करती है, इनके प्रोडक्ट्स हैं जो भी हैं डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंप्रीजिंग होम पर्सनल केयर्स एंड परफॉर्मेंस केमिकल मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ पोल्ट्री और एनिमल फीड्स पे अवंती फीड्स और आप एक और स्टॉक का नाम जानते होंगे विंकीस लिमिटेड पोल्ट्री में विंकीस को मात देना इतना आसान नहीं है वेंकीज़ बहुत बड़ी कंपनी है पोल्ट्री के जो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं चाहे वो चूजे हों चाहे उसका फीड्स हो चाहे उनकी वैक्सीन हो जो भी चीज़ें उनके पास मौजूद दे तो इस चीज को समझिएगा और इसी हिसाब से डिसीजन लीजिएगा और क्या बताऊं हेल्थ एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स इनके पास है कंपनी ऑपरेट्स इन इंडिया एज वेल एज 17 होराइजन कंट्रीज इंक्लूडिंग वियतनाम बांग्लादेश और वगैरह वगैरह जो भी है ठीक है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोवाइडर्स इन इंडिया में स्पेशलिटी केमिकल सब्सटेंस इको फ्रेंडली अटैक competitive मैनर्स और लास्टली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए हैं इतने डिटेल्स काफ़ी होनी चाहिए आपको डिसीजन लेने के लिए ऑफिस वगैरह कहाँ पे है सारी चीज़ें दिखा दी गई है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सब चीज़ समझा पाया हूँ मेरे ख्याल से भी अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा वो भी मैं कहूँगा कि सेकेंड डे का डेटा देखने के बाद थर्ड डे को अप्लाई कीजिएगा ये मेरा डिसीजन है आप डिसीजन अपने हिसाब से लीजिए अपना स्टडी कीजिए अपना अपने अकॉर्डिंगली इस स्टॉक को इस पर्टिकुलर आईपीओ पी का सब्सक्राइब कीजिए ठीक है लिस्टिंग गेन के पर्पस पे किया जा सकता लॉन्ग टर्म के लिए इस सेक्टर पे इससे कम पी पे .E कम पी पे .E बहुत अच्छा माल अवेलेबल है आरती इंडस्ट्री विंकीज़ उसके बाद विनीता ऑर्गेनिक्स है और अवंती फीड्स भी है तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं चूज़ बहुत अच्छे से कीजिएगा लिस्टिंग इन मिल जाए बहुत अच्छी बात है इसी के अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लें और लिस्टिंग इनकम कम इन्जॉय कीजिए ठीक है वो भी थर्ड डे का सब्सक्रिप्शन आने के बाद पता चलेगा लिस्टिंग इन मिलेगा या नहीं मिलेगा तो ये एक रिव्यू थी रोसीरा बायोटेक्स लिमिटेड का अच्छा लगा तो जरूर एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा आईपीओ का रिव्यू आपको कैसा लगा क्योंकि ये आईपीओ का रिव्यू बहुत कम होता है बहुत कम जगहों पे मिलता है अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल विजिट करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू